सो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब के सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, हर बार की तरह फिर से आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड के अनुसार, आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट के अनुसार एक बार फिर से जो मैं आ चुका हूँ भाटी ऑटो एजेंसी किशनगढ़ के अंदर। दोस्तों, काफ़ी लोगों की डिमांड आ रही थी, वो बोल रहे थे कि सर जो अपने जिले में कोई भाटी ऑटो एजेंसी पर कोई नया स्टॉक आया है तो वो गाड़ियाँ विजिट करवाइए। तो दोस्तों बिल्कुल ये दोस्तों बिल्कुल टोटली स्टॉक चेंज हो चुका है। यहाँ पर जो पुरानी गाड़ी थी वो सेल आउट हो चुकी है और यहाँ पर टोटली नया स्टॉक आ चुका है। तो दोस्तों, मैं सभी लोगों की डिमांड पूरी करने के लिए एक बार फिर से जो मैं आ चुका हूँ भाटी ऑटो एजेंसी किशनगढ़ के अंदर। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर जो भी वीडियोज़ आपको पोस्ट की जाती है वो ओनली फॉर आपके इन्फॉर्मेशन के लिए की जाती है। इसलिए सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। तो चलिए मैं वीडियो को एक्सप्लोर करवाता हूँ कौन कौन सी यहाँ पर गाड़ियाँ चेंजिंग हुई है। काफ़ी लोगों की डिमांड आ रही थी ब्रेजा के बारे में। तो दोस्तों, फर्स्ट ओनर ब्रेजा भी रहने वाली है, 2018 मॉडल, शानदार कंडीशन की क्यूड भी रहने वाली है, अल्टो 800 भी रहने वाली है, ईवोन वगैरह टोटल मिक्स सेगमेंट रहने वाला है, ईको वगैरह जो भी लोग बाग डिमांड करते हैं मेरे पास, यहाँ पे सारी गाड़ियाँ अवेलेबल मिलने वाली है, मिक्स सेगमेंट रहने वाला है। जो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि मतलब 60-70 हज़ार से लेकर 10-12 लाख रुपये तक की गाड़ियाँ एनी टाइम अवेलेबल रहती है भाटी ऑटो एजेंसी पर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको पूरी गाड़ियों को, लेट स्टार्ट। तो दोस्तों, एक बार जान लेते हैं भाटी ऑटो एजेंसी की जो असिस्टेंट है मिस्टर तन्नु जी से। और जी सर, कैसे हो? बस बढ़िया। अच्छा, तो आज अपन कितनी गाड़ी देखने वाले हैं? ऑलमोस्ट बहुत सारी गाड़ी देखेंगे, मतलब 10-12 गाड़ियाँ हैं ऑलमोस्ट, है ना। तो सबसे पहले हम ब्रेजा से शुरुआत करते हैं, इस गाड़ी के बारे में बताइए। सर, ये 18 मॉडल है, 9.25 लाख रुपये की है। सर, 2018 मॉडल है, 9.25 लाख रुपये इस गाड़ी की डिमांड है। फर्स्ट पार्टी है? फर्स्ट ओनर है। अच्छा, मतलब वेरिएंट है JDA, ये कौन सी है? JDA प्लस है सर। अच्छा, JDA प्लस, मतलब टॉप मॉडल है। हाँ, टॉप मॉडल है सर। फर्स्ट ओनर है, बिल्कुल शानदार कंडीशन की है। तो 9.25 लाख रुपये, तो इस पर गाड़ी पर लोन कितना हो जाएगा? मतलब इस पर सर 8-8.5 लोन होगा। अच्छा, 8.5 लाख रुपये तक का लोन हो जाएगा। हाँ, वो कस्टमर की प्रोफाइल पर डिपेंड होगा कि कितना लोन होगा इस पर, है ना। ओके। तो इस क्यूड के बारे में बताइए सर, अब आप क्यूड के बारे में बताइए, ये कौन सा मॉडल है? 2017 मॉडल है। तो ये टॉप मॉडल है या कौन सी? टॉप मॉडल RX-T, RX-T टॉप मॉडल। ओके, तो फर्स्ट ओनर है ये भी? फर्स्ट ओनर है सर, ये 3,11,000 रुपये की है सर। 3,11,000 रुपये की गाड़ी है। ओके, मॉडल कौन सा बताया? 2017। और वो 2018 मॉडल है ना, ब्रेजा। तो काफ़ी लोगों की डिमांड आ रही थी मेरे पास ब्रेजा के बारे में, तो एक बार भाटी ऑटो एजेंसी पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। बिल्कुल शोरूम कंडीशन की फर्स्ट ओनर ब्रेजा मिलने वाली है, और ब्रेजा रहने वाली है जयपुर की पासिंग, और ये रहने वाली जोधपुर पासिंग गाड़ी, जो रेनो क्यूड है, जोधपुर पासिंग है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 2017 मॉडल है, 3,11,000 रुपये इस गाड़ी की डिमांड है। और दोस्तों, भाटी ऑटो एजेंसी के द्वारा एक फैसिलिटी और भी अवेलेबल होती है, जो भी हम वीडियो के साथ जो प्राइस रेंज बताई जाती है यहाँ से वीडियो के माध्यम से, वो ओनली फॉर आस्किंग प्राइस होती है। दोस्तों, फिक्स प्राइस वही होती है, जब आप ऑन टेबल आओगे, विजिट करोगे, आपको गाड़ी पसंद आती है, वही आपके लिए फिक्स प्राइस होती है। ओके, तो 3,11,000 रेट बताइए। इंश्योरेंस वगैरह चालू है सर सबका, और ब्रेजा का? ब्रेजा का चालू है। ओके, आइए अल्टो के बारे में बताइए। ये 2018 मॉडल है सर। 2018 मॉडल सबसे टॉप मॉडल है, VX-i टॉप मॉडल है, 3,25,000 रुपये की, 3,25,000 रुपये की। तो इस पर भी लोन हो जाएगा ना? हाँ। लोन कितना परसेंट हो चुका है? 80-90%। अच्छा, तो वो तो कस्टमर की प्रोफाइल भी डिपेंड होता है ना। ओके, आइए इसके बारे में बताइए। ये 2009 मॉडल है सर, 170 की है। हुंडई i10 है, 2009 मॉडल है, 170 की है। 2009 मॉडल है, 1,70,000 रुपये इस गाड़ी की डिमांड है। ओनरशिप फर्स्ट सेकंड ओनर है। अच्छा, ये तीनों गाड़ियाँ खड़ी हुई है, वो फर्स्ट है और ये सेकंड ओनर है, इसकी 1,70,000 रुपये डिमांड है। तो इसमें भी लोन हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1,00,000-1,15,00,000 रुपये के अराउंड मान सकते हैं, वो कस्टमर की प्रोफाइल पर डिपेंड होता है ना। ओके। तो भैया, एक तनु भैया एक बात बताइए, अपन लोन कौन कौन सी ब्रांच से करवाते हैं? SKU वगैरह सर, अपने पास सब कुछ सारा ही है, मतलब सिस्टम है ना। आइए, मतलब बिल्कुल शानदार कंडीशन गया है ना, जो भी है, मतलब कस्टमर जो बोलेगा कि मैं इससे लोन करवाना चाहता हूँ, उससे करवा सकते हैं ना। आइए, अब अंदर की गाड़ी दिखाते हैं। ये आ गई अपनी कौन सी? ईवोन ईरा प्लस। 2018 मॉडल है, 3,00,000 रुपये की है, फर्स्ट ओनर है ये गाड़ी, इंश्योरेंस चालू है, इस पर लोन हो जाएगा। रुकिए थोड़ा धीरे। हाँ, अब बताइए, 2018 मॉडल है, 3,00,000 रुपये, 3,00,000 रुपये डिमांड है, फर्स्ट ओनर है, ईरा प्लस।
तो इसमें म्यूजिक वगैरह लगा हुआ नहीं है? मतलब नहीं है, कंपनी के साथ में। अच्छा, कंपनी के साथ का नहीं है। ओके, तो आफ्टर मार्केट लगवाना होता है ना, जो भी होता है। फर्स्ट ओनर है ना, 3.25 लाख रुपये डिमांड है, तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा तो हो जाएगा ना बैठ का? वो तो हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताता हूँ मैं, ये जो अपना डीलरशिप है ना, भाटी ऑटो एजेंसी, तो जैसे मान के चलो कहीं से भी अपना मतलब कस्टमर यहाँ पर आ सकता है विजिट करने, गाड़ी को देखने, पसंद करने, अगर उसके पसंद आ भी जाती है तो डील भी कर सकते हैं। तो पूरा एड्रेस बताइए अपना, भाटी ऑटो एजेंसी कार भैया। रूपनगढ़ रोड, कौन सा रूपनगढ़ रोड? मदनगढ़ किशनगढ़। रूपनगढ़ रोड, मदनगंज, किशनगढ़, लोअर कॉलोनी वगैरह है ना जो भी है। तो दोस्तों देख सकते हो किशनगढ़ के अंदर है, रूपनगढ़ रोड, लोअर कॉलोनी। आप कभी भी आइए, विजिट कीजिएगा, मेन रोड पे भाटी ऑटो एजेंसी का डीलरशिप आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो अब इसके बारे में बताइए, ये फिर से अल्टो 800, ये 17 मॉडल है सर, ये 3 लाख रुपये की फर्स्ट ओनर है गाड़ी। ये 2017 मॉडल है, 3 लाख रुपये की फर्स्ट ओनर है। ये अलग से ही है, वीक से ही? अलग से। अच्छा, उससे थोड़ी सी मतलब बेस वेरियंट है मतलब ना? ये टॉप नहीं, वो टॉप मॉडल है। अच्छा, वो टॉप मॉडल थी, ये टॉप मॉडल नहीं, बेस मॉडल है ना? हाँ सर। ओके, आइए। अब ये इसके बारे में बताओ, फोर्ड RJ27 उदयपुर पासिंग है क्या? हाँ सर। ओके, इस गाड़ी की डिटेल बताओ, कौन सी गाड़ी है? ये फोर्ड एंडेवर है सर, 2008 मॉडल है, 5 लाख रुपये की है सर। मात्र 5 लाख रुपये की? अभी पता नहीं कितनी आ रही है, 44 लाख रुपये नहीं आ रही है, ये मात्र 5 लाख रुपये में। तो दोस्तों देखते हो इंडेवर, अगर इंडेवर लेने के लिए कोई भाई सोच रहा हो तो एक बार भाटी ऑटो एजेंसी पर आइए। ओल्ड मॉडल इंडेवर की बात कर रहा हूँ मैं, अभी न्यू वाली इंडेवर 44-45 लाख रुपये के अराउंड आ रही है, यहाँ पर मिल रही है मात्र 5 लाख रुपये में। ऑलमोस्ट इसमें भी जो थोड़ा बहुत कंजक्शन या फिर आपका मान सम्मान रखा जा सकता है इस 5 लाख रुपये प्राइस रेंज में भी। कौन सा मॉडल है? 2009 का मॉडल में, बिल्कुल शानदार है, कहीं से किसी भी प्रकार की कोई कमी देखने को नहीं मिलने वाली है, जो भी है बिल्कुल आपके सामने है, किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है? नहीं सर, इसके लिए डीजल डलाओ और चलाओ, डीजल डलाओ और चलाओ, और पेपर्स वगैरह सब सब चल रहा है, कंप्लीट है ना? तो ये फिक्स प्राइस नहीं है ना, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाएगा इसमें तो? हाँ, वैसे मेरे को पता है, परवेज भाई से मैंने बात की थी एक दो बार, तो नेगोशिएट तो करते रहते हैं वो, जो भी होता है मान सम्मान वाली बात तो आई, राजस्थान में अपन एक कदम भी चलते हैं तो थोड़ा बहुत मान सम्मान तो करना ही होता है। ओके, तो इस गाड़ी के अंदर क्या क्या मिलता है? एसी वगैरह टोटल कंप्लीट सब, एसी वगैरह सब कुछ मिलता है, पीछे एसी गाड़ी है, म्यूजिक वगैरह टोटल कंप्लीट है, कंपनी के साथ आता है, कंपनी के साथ का है। ओके, इस इको के बारे में बताओ बाप, ये कौन सी गाड़ी है, कौन सा मॉडल है बताओ? ये इको 2017 मॉडल है, 5 सीटर एसी है। अच्छा, ये 4.25 लाख रुपए की रेट है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, फर्स्ट ओनर है। ये 17 ये 18 मॉडल है सर? 18 मॉडल है ना? ओके, 4.25 लाख रुपए इस गाड़ी की डिमांड है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। इंश्योरेंस चालू है सर? इंश्योरेंस वगैरह चालू है, पेपर्स वगैरह ना कंप्लीट? ओके, तो एसी वगैरह चालू होगी इसमें? एसी वगैरह चालू है सर। और ये आफ्टर मार्केट स्टाइलिश बनाने के लिए लगाया ना? हमने लगाया। ओके ओके, तो 4.25 लाख रुपये इस गाड़ी की डिमांड बताइए। लोन अप्रोक्सीमेटली अगर बारे में बात करें तो 3.5 या 3.5-70 तक हो सकता है, उसको बंदे की प्रोफाइल पे ऊपर है। हाँ, मतलब कस्टमर की प्रोफाइल पे डिपेंड होता है। तो ये तो हो गई अपनी आज ही गाड़ियाँ, और अपन नेक्स्ट वीडियो फिर से बनाएंगे, तब तक आप थोड़ा फिर से एक्टिव हो जाओगे, और यहाँ पे जो भी स्टॉक चेंज होगा फिर नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। तो आज की वीडियो इतना ही, थैंक यू तनु भाई, आपने बहुत सपोर्ट किया, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल गाइज, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।